नमस्कार मैं हूं प्रभु चावला सीधी बात में आज बारी है पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की अगर वहां की आवाम ने चाहा तो इसी वर्ष वो दोबारा वहां की प्रधानमंत्री भी बन सकती है आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया आपने अपना वतन आठ साल पहले छोड़ा था और कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने वतन से बाहर रह के राजनीति करता है पॉलिटिक्स करता है तो बड़ी परेशानियां होती हैं। तो अब किस तरह से राजनीति चलाती जला जलावतनी की जिंदगी आसान नहीं है मगर कभी कभी मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ता है और अभी तो मैं जलावतनी की ना सोच रही हूँ मैं ये सोच रही हूँ कि अगले साल इन पाकिस्तान में होंगी और पाकिस्तान के मुहिम में अपना किरदार अदा करूंगी उन्नीस सौ अट्ठासी की बेनज़ीर जो थी उन्नीस सौ तिरानवे में दोबारा बनी 1993 में उस एक फाइटर रेबल वो सब कुछ था आपके अंदर कि बेनजीर एक इंटरनेशनल स्टेटस के लीडर थी काफी लड़ाई करने तकता वहाँ पर पलटा उन्होंने सत्ता में आई वो फाइटर बेनजीर जो है ये पिछले नौ साल या आठ साल के अंदर जैसे आप अपने वतन से अलग कर दी गई तो आपको लगता नहीं की सॉफ्ट हो गई है आप थोड़ा थोड़ा आप में डर पैदा हो गया है डर तो पैदा नहीं हुआ नहीं तो मैं बहुत पहले हुकूमत के सामने तब्दील तब तब्दील हो जाती और उनके साथ अग्रीमेंट करती ना मुकदमे होते हैं ना आसफ़ जेल में रहता ना बच्चे अकेले उनकी परवरिश होती मैं तो समझती हूँ कि ये फाइट ज्यादा लंबी फाइट रही है आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सॉफ्ट हो गई हूं मगर मैं समझती हूँ कि इन दस सालों में जो हमारे रुफकार और हमें सामने करना पड़ा मेरे सिक्योरिटी गार्ड के असासनेशन हो मेरे एम पीज के असासनेशन हो हमारे लोगों के ऊपर तशद का છટત કા નિશાન બનાયા ગયા મુજે કીંચ કરકે મુખતલફ બેનુલકવામી ઇદાલતો મે લે ગઈ હે તો મે સમજતી હું કે યે જો 10 સાલ તે હે વો જ્યાદા ફાઈટ કી જરૂરત થી તો મેબી અધર સીટ હસ લેસ ઓફ અ ફાઈટ મગર મેરે લિયે ઇટ વોઝ મોર ઓફ અ ફાઈટ ફાઈટ તો આપકી હર તરફ થી ના ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ મે બચ્ચે આપકે છોટે છોટે تھے બચ્ચે આપકે દુબઈ મે આપકે પરન્ટિયલ મે تھے પહેલે ફિર અમેરિકા મે ચલે ગયા ઓર આપ કભી इधर કભી ઉધર तो एक औरत के लिए लगता नहीं कि इतना बड़ा फाइट करना टूट जाता है ना कई बार यू ब्रेक इतना इमोशनल इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ आपका आ, मैं समझती हूँ कि जब लोग पाकिस्तान के तारीख को देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि आम आदमी ने पीपल्स पार्टी और मेरा साथ दिए और आम आदमी ने मेरे को हौसला दिया और जो मेरे वालद की कुर्बानी थी उसने मुझे हौसला दी इसलिए जो कुछ मेरे साथ किया जा रहा था मैं उनके बारे में सोचती थी जब वो मौत की कोटरी में थे और मैं कहती थी मैं मौत की कोटरी में नहीं हूं मैं ये सोचती थी कि कैसे वो फांसी घाट तक चल करके गए मैं सोचती थी कि मेरे को नहीं चलना पड़ा तो मैं कहती थी कि जितना कुछ उनको कुर्बानी देनी पड़ी मुझे वो कुर्बानी नहीं देनी पड़ी और मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं नहीं बेन भुट्टो जो जिसको बताए सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई अच्छी परवरिश हुई आपकी अच्छी पढ़ाई हुई आपके फादर प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद एक जंग की जैसे लाइफ बिताना एक जिप्सी की तरह रहना तो बेनधी भुट्टो का कल्चरल अपब्रिंगिंग उसको कैसे बड़ा किया ये सब एडजस्ट करने में बच्चों को भी परेशानी होती गई आपके लिए तो बड़ी एक बड़ी फाइटिंग होती होगी पति को भी संभालना बच्चे छोटे छुट छोटे कैसे सोचते होंगे कि हमारे माँ बाप हमारे से अलग हो रहे हैं आसान नहीं था मगर हो गया आप देखें कि जब भी जिंदगी के अंदर कोई चैलेंज आता है तो लोगों को उस चैलेंज का सामना करना पड़ता है मैं कभी नहीं सोचती थी जब मैं छोटी थी मेरे वालिद साहब जिंदा थे हमें स्पॉयल करते थे हम हंसते थे खेलते थे खुशियों के माहौल में रहते थे कि एक ऐसे दिन आएगा जब खुशी चले जाएगी मगर फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी पिछले नौ साल के अंदर आपको क्या ऐसा कोई डिफिकल्ट मोमेंट आपकी लाइफ में आया कि सब छोड़ दो अब जाके घर में बैठे बच्चों के साथ अपना पढ़ाई कर कभी नहीं कभी नहीं क्योंकि जिधर मैं जाती हूँ पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम मेरे को मिलते हैं और इस खुशी के साथ मिलते हैं और इस उम्मीद के साथ मिलते हैं कि मैं पाकिस्तान के अवाम को कभी मायूस नहीं कर सकती पाकिस्तान के अवाम ने मुझे ये एजाज़ दिए कि एक खातून को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किए दुनिया में कहा जाता था कि एक मुसलमान माशरा एक खातून को मंतब नहीं कर सकता है मगर मेरे को बहन समझ करके इतना बड़ा एजाज मुझे दिए पर आप पाकिस्तान छोड़े हुए आपको नौ साल हो गया आप जाने की सोच नहीं। पिछली बार जब आपने पूछा था कि मैं जरूर जाऊंगी पर अभी लगता नहीं कि वहाँ पर नहीं जा पाई पिछले नौ साल में इस कारण क्या रहे आपको जाने से वहाँ परेशानी होती है की आपको लगता है कि जेल में डाल देंगे आपको इसलिए नहीं जा रही या कोई बैन लगा हुआ है आपके ऊपर असल में मैं लास्ट इलेक्शन में जा रही थी सन दो और दो मगर हकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि अगर मैं नहीं हूँ और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो फिर वो पीपल्स पार्टी के सामने रुकावट नहीं बनेंगे और उनकी काफी बातचीत हमारे वाइस प्रेसिडेंट मखदूम अमीन फहीम साहब के साथ हुई थी तो हमने ये उनके तजावीज को रद्द किए थे मगर जब मेरे ऊपर बैन लग गई तो फिर मैं सोची कि पार्टी डिवाइड क्यों हो और मेरा ख्याल था कि ब्लफ कर रहे थे मगर मैंने कहा हो सकता है wrong, तो इसलिए मैं वापस नहीं गई बट बहरहाल अभी अगर मुझे बैन भी करें मुझे सजा भी दें जो कुछ करें मैं वापस जा रही हूं क्योंकि हमने ट्राई किए टू थाउजेंड एंड टू में आपको बैन करें आपको सजा करें आपको जेल भी भेजें तब भी जा रही हूँ बिल्कुल मतलब अगर मेरे को ना अहल भी करें लास्ट टाइम जब हमें ना अहल हुई थी तो उस वक्त मैंने ये फैसला की कि, कि चले मखतूम साहब अगर बन जाते हैं एक ट्रांजिशन हो जाता है एक कदम हम आगे चले जाते हैं तो ठीक है मगर इस दफा मैं किसी आल्टरनेटिव का नहीं सोच रही हूँ और पीपल्स पार्टी मेरे साथ हैं उन लोगों ने देखा है कि हुकूमत ने पहले कैसे धोखा किया और मैं वापस जा रही हूँ मेरे को ना अहल करेंगे तो हम अपोजिशन में बैठेंगे अब लगता है कि आपके कहीं जो अखबारों में पढ़ा है कि कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग आपकी मुशरफ के साथ हो गई है कि आपको आने देंगे सॉफ्ट हो गई है थोड़ी उनके लिए ये तथ्य अच्छा है क्या? कोई अंडरस्टैंडिंग जनरल मुशर्रफ के साथ नहीं हुई है वक्तन-वक्तन सन 2002 के बाद बैक चैनल टॉक्स रहे हैं या टॉक्स भी आप ना कहें कॉन्टैक्ट्स आप कह सकते हैं जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टॉक्स होते हैं <laughs> तो <laughs> बैक तो से कोई तकरीबन नहीं पैदा होता <laughs> <laughs> तो पर एक बात है तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि वक्तन-वक्तन बैक चैनल है मगर मुशरफ साहब के साथ कोई अग्रीमेंट हमारी पार्टी की फिलहाल नहीं हुई है और हम ए में हैं मियां नवाज शरीफ साहब भी हमारे कॉलिग हैं उनके बारे में भी हम सुनते हैं कि उनको कांटेक्ट करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी चाहते हैं और डेमोक्रेसी के लिए हमने एक स्टैंड लिए हैं क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ आवाम की मुश्किल हल होते हैं पर आप जाएंगे पाकिस्तान उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि दो टर्म्स से जो रह चुका है प्राइम मिनिस्टर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता तो आप करेंगे क्या जाकर जी अगर आ? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होती तो तीन बार अपने आप को एक्सटेंशन दे देती <laughs> <laughs> अगर मैं कु मैं प्रेसिडेंट बन जाती तो मैं बार-बार धोखे बार के रेफरेंडम करके इलेक्ट हो जाती खाली लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है मगर तर्की में भी ये किया गया था पर आपके फादर और... ने भी तो ये लॉ जब वो टेक ओवर किए थे वहां कोई कानून नहीं था खाली मार्शल लॉ था तो इसलिए उनकी मार्शल लॉ हुआ मगर वो मार्शल लॉ नहीं बनने चाहते थे और उन्हें फौरी तौर पर अबूरी आईन मुल्क को दिए क्योंकि उनका सोच था कि एक सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर होना चाहिए। अभी तुर्की के के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ऊपर बैन लगाया गया था कि इलेक्टेड प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर तीसरे दफा नहीं बन सकते मगर तुर्की के अंदर फिर उन लोगों ने एक हफ्ते के लिए किसी और को बना करके कानून तब्दील करके खुद बन गए। आप जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने अपने किताब में लिखा हुआ है कि आपने पाशा को था कि उनको अपना बनाने के नहीं, लिए that's wrong. मैं क्लैरिफाई करने चाहती हूँ मैंने किताब नहीं पढ़ी हूँ जब मुशरफ साहब मुझे खुद देंगे तो फिर <laughs> तो किताब में लिखा मैंने है कि नहीं, नहीं, नहीं में आपके मगर मैं सुनी हूँ कि यह कहा गया है अव्वल मैं ये बताने चाहती हूँ कि जनरल मुशरफ को जियाउल हक ने मिलिट्री सेक्रेटरी डेजिग्नेट बनाए मगर जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनी मैं अपना मिलिट्री सेक्रेटरी ले आने चाहती थी और मैंने वो पैनल को नहीं ली तो मुना मुशरफ साहब ने उस वक्त मुझे मैसेज भेजा थ्रू मुनावर सुरवर्दी कि आप मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी बनाए तो मैंने बोली नहीं मुझे किसी और को मिलिट्री सेक्रेटरी बनाना है तो मैंने कोई मैसेज नहीं भेजी क्योंकि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी और मैं जनरल मुशर्रफ को जानती नहीं थी पांच लाख अफवाज से मैं कैसे बोलूं एक शख्स को कि आप मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी बने जब मुझे मालूम भी नहीं है कि वो कौन है जनरल मुशर्रफ को मिली नहीं थी मैं जानती नहीं थी कुछ नहीं मुझे तो उसके बारे क्यों, इसलिए मुझे पेश किए की कि आप मुझे बनाए मिलिट्री सेक्रेटरी तो अगली बार बनाएंगे उनको आप <laughs> नहीं, <laughs> नहीं, नहीं। <laughs> खैर आपका मुशर्रफ साहब से सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं परंतु आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगी कौन बनाएगा इसके ऊपर मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से तो आप कह रहे थे कि आप जाएंगी पाकिस्तान एक तो आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बैन है कि आप बन नहीं सकती दूसरा यह कि आपका भी प्यार पाकिस्तान से अपने वतन से है आप भी जाना चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो मुझे चाहते हैं और पीपल्स पार्टी के कारकुन भी मुझे प्राइम मिनिस्टर देखने चाहते हैं और इसलिए ये फैसला किया गया है कि मैं ही पार्टी की प्राइम मिनिस्टर टेरियल कैंडिडेट रहूंगी टर्की में भी एक बैन था मगर जब पार्टी कामयाब हुई तो वो बैन को कानूनी तौर पर हटाया गया तो ये बैन हट भी सकते हैं बैन कौन हटाएगा मुशर्रफ़ साहब हटा लेंगे बैन पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जब आएंगे जब आपके पास मेजोरिटी है तो पार्लियामेंट में आप कानून को तब्दील कर सकते हैं मतलब है, आप बताइए एक बात कि आपके एक बारे में लिखा कि आप किया आपने लंडन में मीटिंग हुई आपकी वहाँ की अग्रीमेंट हुआ फार्मूला बना आपको लगता है कि आप अकेला जो है मुशरफ साहब से ले लड़ सकती आप वीक हैं अकेला इसलिए आप मुशरफ नवाज साहब के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं ये सच है क्या ये उकसाने वाली बात है और गलत है हम लंदन में मिलकर के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तैयार किए हैं क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स रिवाइव होगी तो आपस में मियाँ साहब और मोहतरमा लड़ेंगे तो हम यह तासर को दूर करने चाहते थे और साबित करने चाहते थे कि एक लेजिस्लेटिव प्रोग्राम है जिधर मुल्क के दोनों बड़े पार्टीज़ इतफ़ाक़ करते हैं और मियाँ साहब के साथ माजी में, में मेरे अख्तिलाफ़ थे और उनके मेरे साथ थे मगर अभी अलहमदल हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है और हमारे गोल्स बहुत क्लियर हैं हम मुल्क में मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हैं हम मुल्क में डेमोक्रेसी चाहते हैं चुनाव दोनों मिलकर लड़ेंगे इसका मतलब आप दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग आ... और आपकी पीपल पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो फिर सीट कौन ज्यादा लड़ेगा कौन कम लड़ेगा कैसे फैसला ये हो? तो इस वक्त इसका फैसला नहीं किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से हम इस पर गौर करने के लिए तैयार है मगर दोनों पार्टीज को देखना पड़ेगा कि उनके पार्टी इंटरेस्ट में क्या है जब चुनाव आने जा दो हजार सात में से अक्टूबर में चुनाव होगा आपको लगता होगा 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 मेरे को लगता है कि होगा और जरूर होगा नहीं पर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी आपने कहा हाँ। प्राइम मिनिस्टर आप ही बनेंगी तो मिया साहब भी जाहिर तो है जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट्स मिले वो बनेंगे मगर जब मैं मियाँ साहब से दो साल पहले मिली थी तो उनका ये था कि पीपल्स पार्टी फर्स्ट चांस लें अभी मिली थोड़े दिन पहले भी आपको। अभी भी मिले थे मगर डिस्कशन दो साल पहले जो हुई थी वो आगे बढ़ा कि नहीं आपका ये थी हमारी डायलॉग आगे बढ़ी है हम इकट्ठा हैं हम दोनों वापस पाकिस्तान जाएंगे हमारी दोनों जमातें इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगी तो उसमें जिसकी भी मेजोरिटी ज्यादा आएगी तो उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो नवाज साहब ने कहा है ने है या मियां साहब ने कहा जी हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को ज्यादा वोट्स मिलेंगे बट वी डोंट नो वी विल हैव टू वेट एंड सी अगर हम पाकिस्तान को देखें तो एक तो 2002 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इलेक्शन हुए धांधली के बावजूद हम लीडर ऑफ उप अपोजिशन निकल आए कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए धान्धली के बावजूद हम लीडर ऑफ अपोजिशन ले आए हमसे हुकूमत छीन सकी मगर हमारा जो वोट बैंक था वो नहीं छीन और फिर आप लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को देखें कि वो थ्री स्टेजेस में किए गए थे एक स्टेज में नहीं और वो जो सेकंड स्टेज था सेकंड स्टेज के वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रूलिंग पार्टी को मुल्तान फैसलाबाद गुजरनवाला रावलपिंडी आर्मी सेंटर्स के अंदर लाहौर सब आर्मी सेंटर्स के अंदर हमने शिक्ष दी है क्योंकि हमारी फौज भी आवाम से है वो भी चाहती है कि पाकिस्तान की इज्जत हो पाकिस्तान की वकार हो पाकिस्तान के अंदर अमन हो दहशत गर्दी दूर हो और अवाम के मसले पीने का पानी लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं भूख और अफलास है बेरोजगारी है वो तो चाहते हैं ये मामले हल हो ये नहीं कि हम बैरूनी मुल्कों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर राज कर रहे हैं अभी अपने एकदम जी बंदूक है बंदूक है जब बंदूक है तो लोग राज करते हैं इस किस्म की मगर हलाल राज तो नहीं बन जाती क्योंकि बंदूक है कल चोर भी आपके घर में आए और कोई चीज छीन ले इसका मतलब नहीं कि हाँ चोर राज कर रहा है पिछले पच्चीस साल में या आपके राज में भी एक पॉलिटिक्स की जो बेसिस था मैं इसलिए कह रहा हूँ दोबारा एक तो ये था कि फंडामेंटलिज्म थोड़ा ज्यादा था और दूसरा कश्मीर इशू नो नॉट इन दाइव इन पीपल्स पार्टी के फाइव ईयर्स में एक्सट्रीमिज्म था कश्मीर और बात है तालिबान तो आप ही ने खड़ा किया नहीं तालिबान उस वक्त एक्सक्यूज मी जो आप कह रहे हैं कि हमने खड़े किए नहीं हमने इनकरेज नहीं किया मगर जब वो आए थे तो एक मुद्दत के लिए हम सब समझते थे हो सकता है ये लोग अमन ले आए मगर मेरे जाने के बाद बंदूक तो बंदूक वाले अमन थे, जिसको आपने के ओके आप जरा दिस वे पीपल्स पार्टी के दौर में जब तालिबान आए वो एक नेशनल ग्रुप थे पीपल्स पार्टी के जाने के बाद वो एक ट्रांस नेशनल ग्रुप बन गए और अलकायदा को दावत दिए और इंटरनेशनल वॉर शुरू किए तालिबान भी मर चुके हैं उसकी वजह से और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा उसमें तालिबान को आपने उसको नेशनल ग्रुप कैसे माना क्या समझ के वो एक आपने वो एक खुद ही आए थे वो एक इंडिजिनस ग्रुप थे और उनके साथ हमारा था तो यूएन का का भी था सबका राबता उनके साथ इब्तदा में था मगर वो एक नेशनल ग्रुप थे वो तीसरे मुल्कों के खिलाफ या दूसरे मुल्कों के खिलाफ जंग का ऐलान तो नहीं कर रहे थे तो एक नेशनल ग्रुप और ट्रांसनेशनल ग्रुप में हमें तफरीक करना पड़ेगा yes, तालिबान जो तो खड़ा किया आपने, तालिबान वो, वो मुजाहिदीन थे, <laughs> <में। laughs> थे ना पहले सी आई एस आई बनी फिर मुजाहिदीन <laughs> बनी फिर तालिबान बने फिर अलकायदा बने अभी पता नहीं क्या बन रहे बाजौर में और और इलाकों में और अभी भी तो लगता इनका आपको इनका नाम तो नाम तो भी है आपको फिर से दोबारा एक्टिविटी तालिबान को करने शुरू कर दी देखें जब कश्मीर का बॉर्डर ठंडा होता है तो सरहद का बॉर्डर गर्म होता है जब सरहद का बॉर्डर गर्म होता है तो कश्मीर का बॉर्डर गर्म होता है कश्मीर को लगता है अभी ठंडा है बॉर्डर आपको इसलिए वो अफगान का बॉर्डर गर्म है कश्मीर पे एक मुशरफ साहब ने नया फार्मूला दिया है तो आप क्या लगता है ये सीरियस प्रपोजल है कुछ इस तरह में कुछ दम है इसके अंदर वक्त साबित करेगा मगर मैं समझती हूँ कि ये जो बातें हैं कि फ्री ये बॉर्डर्स को इरेवेंट बनाएं या वो बॉर्डर्स तो रेलीवेंट जोग्राफिकली रेलेवेंट तो रहते हैं मगर जो सोशली या इकोनॉमिकली हम उनको इरेलीवेंट बनाएं या फ्री ट्रैवल करवाएं या फिर हम डीमिलिटराइजेशन करवाएं और सेल्फ गवर्नेंस करें तो ये तो पीपल्स पार्टी प्रपोज कर रही है नाइनटीन से जब हमारे न्यूक्लियर धमाके हुए थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा कि नीदर इंडियन और पाकिस्तान केन अफोर्ड टेंशन और हमें आ, हमारे डिस्प्यूट्स हैं बट ऑफ दैट ताल्लुक बेहतर करने हैं है ये, कर ये तो अभी बातें हो रही हैं और जब इन शह पूरे हो तो जाएंगे अभी क्यों, क्यों, क्यों दे रहे इस तरह का प्रपोजल उनको लगता है कि चुनाव का स्टंट है या ये जनरल मुशरफ ही इसका जवाब दे सकते हैं मगर बहुत से बातें किए जाते हैं जब बातें पूरे होते हैं तो फिर कोई कुछ कह सकता है पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रपोजल्स हैं ये डिबेट नहीं होते हैं हमारे काबीना ने कभी डिबेट नहीं किया हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कभी डिबेट नहीं किया अभी जो वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में उनको एहसास है कि दुनिया कह रही है कि ताल्लुका बेहतर करो मगर अभी वो सच्चाई से कह रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं वो अगर मैं कहूँ झूठ कह रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता हाँ। और अगर मैं कहूँ सच कह रहे हैं और सच ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता तो, तो इसलिए मैं नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूँ मुझे मालूम <laughs> है क्या कर रहे हैं तो क्या अगर क्या मैं डिप्लोमेटिक <laughs> हो रही दिप्लोमाटिक दिप्लोमाटिक <laughs> एक बात बताइए आप जो है जो करना चाहते हैं कश्मीर के मामले के अंदर जी उससे आपको लगता है की अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर दोनों देश कर रहे हैं क्या देखे अमेरिका एक बैक अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने चाहता है ना। मगर वो बैक चैनल सपोर्ट से ये प्रपोजल को पुश करते हैं कि कुछ हल हो और अगर कोई हल हो तो वो अच्छी बात है न्यूक्लियर भी हुई है आप उसके बारे में तो कर, कर रही होंगी कि ठीक है जो कुछ हो रहा है वेल well, बात यह है कि एक हकीकत है कि इंडिया का जो साइज है इंडिया का जो मार्केट है और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसके अंदर इंडिया का एक अहम ताल्लुका यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रहेगा तो जाहिर है मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान को भी वो ऑफर्स मिले जो हिंदुस्तान को मिलता है मगर तो ये एक हकीकत है, है ना हाँ, तो वो नहीं मिलेंगे क्योंकि एक हकीकत है कि इंडिया के अंदर एक पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन की कॉन्टीन्यूटी है और पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई पॉलिटिकल कॉन्टीन्यूटी नहीं रही है आपके यहाँ बटन है हाँ। वो सेफ तो नहीं है ना किसी के पास मेरे को नहीं मालूम क्योंकि हमें अपोजिशन में कंट्रोल एंड कमांड के सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया है तो आपके पास है, वो में हैं नहीं मैं नहीं समझती हूँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप में न्यूक्लियर वेपन सेफ हैंड्स में हो सकते हैं मैं समझती हूँ कि खाली एक लेजिटमेट रूल्स की तमीज हो उधर सेफ हैंड्स में हो सकते हैं और ये पूरा एक यू खान अफेयर जो हुआ है इससे साबित होता है कि माजी में तो सेफ हैंड्स में नहीं रहे अगर आप जैसे सत्ता में आ गई है प्राइम मिनिस्टर इंडिया का शिकायत रहती है जो आपके साथ भी आपके जमाने में इतना तो नहीं था कि जो जितने भी टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में जाकर के पना लेते हैं आप उनको उतना ही आने देंगे वापस कर देंगी ना जी मैं तो ये उम्मीद रखती हूँ कि हमारे मुल्क में टेररिस्ट हमारे मुल्क से भाग जाएंगे क्योंकि टेररिज्म बहुत बुरी चीज है और मैंने कभी इसकी इजाजत जो इंडिया मांगेगा उनको वापस दे देंगे ना जो मांगेगा और हमारे पास है हम वापस दे देंगे उनका कहना है हमारे हमारे पास पास नहीं नहीं है आप भी तो ये कहेंगे इंडिया हमें बताएगा जैसे अमेरिका ने हमें एफबीआई ने हमें बताया कि राम यूसुफ इधर है तो हमने उसको पकड़ करके हवाले किए अगर पास पाकिस्तान में होंगे तो आप वापस जी बिल्कुल पाकिस्तान में होंगे तो हम वापस करेंगे और मैं आपको बताने चाहती हूँ की मेरे पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर इंडिया बॉम्बे ब्लास्ट नहीं हुए इंडियन पार्लियामेंट अटैक नहीं हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर अटैक्स नहीं हुए और जितने दहशतगर्द थे वो खौफजादा थे और भागे हुए थे तो अब अगर आप सत्ता में आ गई तो मुशरफ के साथ आप क्या सलूक करेंगे देखें दिन में 24 घंटे हैं या आप अच्छे काम करें या इंतकाम के काम करें आई डोंट हैव टाइम फॉर इंतकाम मगर ये कहना कि उनके साथ क्या सलूक होगा मैं समझती हूँ ये डिपेंड करता है कि वो भी अपने आप को इन इलेक्शंस में कैसे कंडक्ट करते हैं चलो जब आप आएंगी दोबारा से रूलर बनेंगी तो देखेंगे कि आप किस तरह से व्यवहार करेंगे हम आपसे फिर सीधी बात करेंगे आप हमारे स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू तो ये थी आज की मुलाकात सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं हमारा ई का पता है एस अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज